उत्तराखंड में ग्लेशियर तबाही के दौरान कुछ लोगों में मध्य प्रदेश के शिवपुरी के 4 युवक भी लापता हुए हैं। इसकी पुष्टि तब हुई जब जिस कंपनी के लिए 4 युवक ऋषिकेश पावर प्लांट में काम करने गए थे, उस कंपनी ने परिवारजनों को दस्तावेज लेकर देहरादून बुलाया है। बता दें कि यह चारों शिवपुरी जिले के नरवर के 2 ग्रामों के रहने वाले हैं, जो ऋषिकेश पावर प्लांट के एक निर्माण कार्य में जुड़े थे, जिनका कोई सुराग न लगने के बाद फिक्रमंद परिजन हो गए। परिजनों के अनुसार भानु प्रताप सिकरवार और चचेरा भाई गजेंद्र सिंह पवैया, सोनू नरवरिया और राकेश नरवरिया चमोली के प्लांट में बेलर थे। देहरादून से कंपनी के फोन आने के बाद परिजन चवाली रवाना हो गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली अंतर्गत जहां कल ग्लेशियर टूटकर तबाही लाया, वहीं ऋषिकेश पावर प्लांट तैयार किया जा रहा था, अचानक आए सैलाब में करोड़ों का यह प्लांट बह गया। कई मजदूर भी बहने की खबर मिली है। शिवपुरी से शैलेंद्र धाकड़ की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा बिजेंद्र सिंह पवैया। अच्छा भाई साहब, जो उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है तो उसमें आपके कौन थे? एक हमारा मामा का लड़का था। अच्छा, क्या नाम था? भानु चक्रवार। और कौन था साथ में? और एक हमारा ताऊ का लड़का था, गजेंद्र सिंह पवैया। अच्छा जी, और कुछ नरवर के लड़के भी थे? नरवर के लड़के थे। अच्छा, कब से गए थे जी हम नौकरी पे? फरवरी के बाद चले गए। अच्छा, तो अभी कोई ऐसी कोई खबर आई है आपके पास वहाँ से? कैसी क्या आई है? फोन आ रहा है कंपनी के, वहाँ पे हादसा हुआ है। अच्छा, उसमें हादसा हुआ है, तो ये मिसिंग है? मतलब ये मिसिंग है अभी यहाँ। अच्छा जी, ठीक है भाई साहब। हाँ भाई साहब, जो उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है तो आपके कौन लगते थे? भाई था अपना छोटा। अच्छा, क्या नाम था? भानु। और कौन था साथ में? एक जो अपने फूफा जी का लड़का था, गजेंद्र सिंह। अच्छा जी, और साथ में कुछ नरवर के लड़के भी बता रहे थे? 2 नरवर के हैं। अच्छा जी, तो ये कब से गए थे यहाँ पर नौकरी करने के लिए? दीपावली के बाद चले गए थे। अच्छा, जब से आई नहीं है छुट्टी पे? नहीं नहीं। अच्छा जी, और बताओ आप क्या सेवा की जाए आपकी यहाँ से, मतलब कंपनी तरफ से, इनकी तरफ से? कंपनी भेज रहे हैं, गए तो। अच्छा, आपके सदस्य कुछ निकल गए? हाँ, भाई निकल गया छोटा। अच्छा, कौन सी कंपनी थी? ओम मेटल्स। हाँ, ओम मेटल थी। अच्छा जी, ठीक है भाई साहब।